देश में 3 दिन तक लगातार बढ़ने के बाद कोरोना वायरस के नए मामलों में मंगलवार को एक बार फिर कमी दर्ज की गई है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 15,388 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1.12 करोड़ के पार पहुंच गई है। इससे पहले सोमवार को 18,599, रविवार को 18,711 और शनिवार को 18,327 मामले दर्ज किए गए थे। देश में कुल 2,30,08,733 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 15,388 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,12,44,786 हो गई है। इस दौरान हुई 77 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,57,930 हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 1,87,462 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,08,99,394 है। देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर अब 96.93% हो गई है, जबकि कोविड-19 होने वाले मृत्यु दर 1.40% है। ICMR के अनुसार भारत में 8 मार्च तक कोरोना वायरस के लिए कुल 22,27,16,796 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 7,48,525 सैंपल सोमवार को टेस्ट किए गए हैं।